गाइज, अगर आप भी वर्डप्रेस वेबसाइट में स्पैनर से परेशान हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। देखिए, अगर आप देख रहे होंगे यहाँ पे मेरे यूजर्स के अंदर जो यूजर्स रहता है वहाँ पे कितने सारे स्पैमर्स ने सब्सक्राइब करके रखा है। ठीक है, आप अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे सब्सक्रिप्शन जो हुए हैं ये सारे के सारे फेक हैं। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे एक ही नाम से सारे सब्सक्राइब हुए, सिर्फ लास्ट में वो नंबरिंग चेंज कर दिया है और अलग अलग ईमेल आईडी से यहाँ पे सब्सक्रिप्शन आए हुए हैं। अगर आपका एक ब्लॉग वेबसाइट है तो आपको ये सब्सक्रिप्शन ऑप्शन एक्टिवेट रखना ही नहीं है, आपको डीएक्टिवेट रखना है। मैंने यहाँ पे जो एक्टिवेट करके रखा था इसके वजह से देखिए मेरा पूरा स्पैमिंग जो है ईमेल, यहाँ पे ईमेल आईडी जो फेक ईमेल आईडी है और उसके साथ साथ यूजर नाम के साथ में यहाँ पे सब्सक्राइब हुए हैं। और अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे सारे के सारे एक ही जो नाम है उसके हिसाब से ही आए हैं। तो इसको किस तरह से हमको फिक्स करना है, किस तरह से हमको कौन से सेटिंग्स करने हैं कि जिससे हमको जो सब्सक्राइबर जो आते हैं, जो फेक सब्सक्राइबर्स होते हैं, वो यहाँ पे आए नहीं। हमको, अगर हम ब्लॉगर हैं तो हमको ये एक्टिवेट करके रखना ही नहीं है। तो सिंपली आपको चले जाना है यहाँ पे सेटिंग में। यहाँ पे सेटिंग में आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए एनीवन कैन रजिस्टर्ड इन मेंबरशिप। अगर आपके वेबसाइट पे कोई मेंबरशिप है ही नहीं तो यहाँ पे आप इसको अनटिक करके रखिए। अगर आपका कोई वूकॉमर्स का वेबसाइट है तो वहाँ पे इस चीज़ को आप बंद मत करिए, उल्टा वहाँ पे क्या करिए, वहाँ पे आप गूगल का जो रोबोट्स होते हैं जो रिकैप्चा भरने के लिए वो दीजिए, ताकि वो जो ऑटोमेटेड स्क्रिप्टेड ईमेल्स और ये सब चीज़ें डायरेक्टली आपके वेबसाइट के अंदर ना जा सकें। ठीक है, तो उसके लिए आपको यहाँ पे सिंपली क्या करना है, इसको बंद करने के लिए यहाँ पे सिंपली एक क्लिक करने का है, एनीवन कैन रजिस्टर्ड से यहाँ पे हटा देना है और यहाँ पे सिंपली सेव कर देना है। कोई भी हमारे वेबसाइट पे रजिस्टर्ड नहीं हो सकता। ठीक है, अभी हम चले जाएंगे सिंपली वापस से यूजर सेक्शन में यहाँ पे। ठीक है, ऑल यूजर्स में अभी हमारे पास अगर देखेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे यूजर्स हैं, तो इनको कैसे डिलीट करना है, बल्क में कैसे डिलीट करेंगे वो देखेंगे। सबसे पहले मैं आपको अगर दिखा देता हूँ, जैसे कि मुझे यहाँ पे बल्क में डिलीट करना है, यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा। याद रखिए जिस सब्सक्राइबर्स को आपको डिलीट करना है तो उसको सिलेक्ट करके रखिए, क्योंकि अगर आप यहाँ पे ऑल पे करके आप डिलीट करेंगे तो उस केस में आपका अगर एडमिनिस्ट्रेटर है, दो तीन एडमिनिस्ट्रेटर है तो उनको भी आप डिलीट कर सकते हैं। इसके लिए ऑल पे क्लिक करके आप डिलीट मत करिए, क्लिक कीजिए सब्सक्राइबर पे, और या फिर टू वे ऑथेंटिकेशन है इस पर भी क्लिक कर सकते हैं। अभी हम यहाँ पे सब्सक्राइबर पे क्लिक करेंगे। आप में ये ऑप्शन आ नहीं रहा होगा क्योंकि आपने जो सिक्योरिटी का है आपने प्लगइन इंस्टॉल नहीं करके रखा होगा, इसके लिए ऐसा मेरे में आ रहा है, मैंने टू सिक्योरिटी रखा है इसकी वजह से यहाँ पे आ रहा है। तो आपका सब्सक्राइबर में आता रहेगा। सिंपली आप क्या करेंगे, यहाँ पे सिलेक्ट ऑल करेंगे, यहाँ पे डिलीट कर देंगे। अगर आप यहाँ पे डिलीट करते हैं तो देखिए क्या एक्शन आता है। यहाँ पे अप्लाई करता हूँ मैं, यहाँ पे देखिए सिर्फ यहाँ पे कितने हैं, ये 20 नंबर्स हैं, ये 20 नंबर ही डिलीट होंगे आपके जो स्पैम जो यूजर्स हैं वो 20 नंबर ही डिलीट होंगे। क्यों? क्योंकि आपका जो अभी यहाँ पे सिलेक्शन हुआ सिर्फ 20 का हुआ। तो इसके लिए आपको बल्क में करने के लिए आपको करना क्या होगा, यहाँ पे चले आना है स्क्रीन ऑप्शन पे। यहाँ पे स्क्रीन ऑप्शन में यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ आइटम है पर पेज वो 20 ही है, इसके वजह से वहाँ पे 20 ही दिख रहा है। आपको इसको बढ़ा कर देना है 999 कर देना है यहाँ पे और सिंपली अप्लाई करना है। क्यों करना है, इससे ज़्यादा आप यहाँ पे काउंट करके सोचेंगे कि 3695 है, यहाँ पे मैं इतना डाल देता हूँ और अप्लाई करता हूँ। देखिए यहाँ पे नहीं आ रहा है, वैल्यू मस्ट बी लेस देन द इक्वल टू 999, ठीक है 999। तो यहाँ पे सिंपली आपको 999 कर देना है। आपको दो बार में डिलीट करना पड़ेगा अगर आपके पास ज्यादा स्पैमर है, तो यहाँ पे सिंपली अप्लाई कर देना है इसको। ये अप्लाई हो चुका है। यहाँ पे देखिए रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पे एक साथ सब कुछ आ चुका है, यहाँ पे 1000 लोग आ चुके हैं। गाइज मैं चाहता हूँ कि आप ये 1000 ना करके कम करें, उसका मैं रीजन बताता हूँ। क्योंकि ये जब भी आप इसको लोड करते हैं ना तो काफ़ी हैंग होने लगता है, आपका जो वेबसाइट है वो काफ़ी हैंग होने लगता है। तो मैं आपको कहूँगा कि 200-200 करके आप डिलीट कर दीजिए तो आपके लिए अच्छा रहेगा। यहाँ पे मैं अप्लाई कर देता हूँ। देखिए अभी मैंने जब इसको लोड किया काफ़ी टाइम ले लिया ये इसको लोड होने में, ठीक है। तो इसको हम 200-200 करके ही डिलीट करेंगे तो बेटर रहेगा, ठीक है। यहाँ पर 200 हो गया। अभी यहाँ पे सिंपली इसको यूजर पे क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ पे सारे यूजर सेलेक्ट हो गए। अभी इस केस में क्या हो रहा है कि अगर सपोज कि आपका कोई जेन्युइन यूजर है
तो वो भी इसमें डिलीट हो जाएगा इस तरह के सिलेक्शन में। तो आपको एक बार ऐसा रिव्यू कर लेना है कि ऐसा आपको पता चल जाएगा कि कौन से स्पैमर है और कौन से रियल जेन्यून जो यूजर है कौन से हैं, तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। यहाँ पे अभी मेरे केस में देखिए कोई भी जेन्यून नहीं दिख रहा है, क्योंकि ये सब के सब टेलीग्राम ऐसा जो स्क्रिप्टेड सब्सक्राइबर्स होते वो दिखा रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे सिंपली आप देखते जाइए यहाँ पे और एक और देखेंगे यहाँ पे, देखिए ये भी टेलीग्राम का ही है। तो यहाँ पे सब के सब जो है टेलीग्राम के यूजर्स दिख रहे हैं मुझे, ठीक है। ये देखिए अभी हम क्या करेंगे, सिंपली क्या करते हैं यहाँ पे एक्शन में हम सेलेक्ट कर लेंगे, चाहे ऊपर या नीचे दोनों जगह आप कर सकते हैं। डिलीट करेंगे, यहाँ सिंपली अप्लाई करेंगे, यहाँ पे नीचे आके सीधा कंफर्म डिलीट करेंगे। आप यहाँ पे देखेंगे 200 यूजर डिलीटेड। तो इस तरह से आपको करना है और जितने भी यूजर्स है आपको डिलीट कर देना है। और किस तरह से अभी इन फ्यूचर आपको स्पैम रोकना है उसको मैंने ऑलरेडी बता दिया। आपको सेटिंग में जाके जो एनीवन कैन बी रजिस्टर्ड उसको हमको डिसेबल कर देना है ताकि कोई और रजिस्टर ना कर सके। अगर आपको कोई भी मेंबरशिप रजिस्ट्रेशन करवाना है तो आप उसको एक्टिवेट करना ही पड़ेगा। उसके लिए आपको करना ये पड़ेगा, अगर आपको मेंबरशिप रखना है आपके वेबसाइट पे तो उस केस में आप गूगल रिकैप्चा और ये सारी चीज़ें यूज कर सकते हैं ताकि स्क्रिप्टेड जो यूजर बेस क्रिएट हो रहा है वो ना हो सके, ठीक है। गाइस कैसे लगा ये वीडियो, अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं ऐसे ही कंटेंट आपके लिए लेके आता रहता हूँ।